साथियों, मत भूलिए दिल्ली के बाटला हाउस में जब आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था तो ऐसे ही एक और राजदरबारी ने दुनिया को बताया था कि आतंकी की मौत पर तब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। ये कौन थे जिनके आंसू रुकते नहीं थे भाई? आतंकियों पर जिसके आंसू रुकते नहीं थे कौन थे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के सरपरस्तों को खत्म करेगी? संभव है उनसे ये कांग्रेस कर सकती है? उनमें दम है, माजा है, इरादा है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आतंकवादियों का मुकाबला कौन कर सकता है? आतंकवादियों का खात्मा कौन सा कर सकता है? मोदी नहीं, 125 करोड़ देशवासी कर सकते हैं दोस्तों। इन ये ताकत हिंदुस्तान में है। आतंकवाद के खिलाफ नरमी से इसी कांग्रेसी रवैये की वजह से पहले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं मिल पाया और आज ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी सरकार थी तब क्या होता था? आज जिस तरह हम आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों के स्लीपर सेल्स पर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये हर आतंकी हमले के बाद चुप बैठ जाते थे या फिर हमारे वीर जवानों की कार्रवाई पर आंसू बहाते थे। साथियों, इनका वही चेहरा फिर से एक बार सामने आया है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई लेकिन सदमा भारत में बैठे कुछ लोगों को लगा है। विपक्ष के लोगों का चेहरा देखिए, पिछले एक हफ्ते से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। भारत भर में महामिलावट करने वाले लोग अब अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट करने में लगे हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर महामिलावट कर रहे हैं। यहां ये लोग मोदी को गाली देते हैं और वहां पाकिस्तान में इनके लिए तालियां बजती हैं। वहां के अखबारों में हेडलाइंस इनके बयानों से भरी पड़ी है। वहां के टीवी चैनलों पर इनके ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। एक प्रकार से देखें तो आजकल ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए यहीं
ये महामिलावटी लोग सामने आ गए। कोई सबूत मांगने लगा तो कोई आतंकियों की लाशों की संख्या पूछने लगा, और तो और ये लोग पाकिस्तान को ही शांति का दूत बताने लगे। आपने देखा होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय महामिलावट एक सुर में राग आलाप रही है। एक तरफ देश भर में देश को प्यार करने वाले लोग एक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी की नफरत में सारे मिलावटी लोग चू 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 कर रहे हैं। भारत के बाहर भी सहारा ढूंढ रहे हैं। आज जब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में देश एक मन हो रहा है, तब ये लोग देश को भ्रमित कर इस लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। आज जब हमारी सेना का पराक्रम पूरा विश्व मान रहा है, तो ये लोग सेना से ही सबूत मांगकर सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, तब ये अलग अलग प्रश्न खड़े कर भारत की स्थिति को कमजोर करने का हीन प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला तब आता है, और फैसला लेने का हौसला भी तब आता है जब राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। सिर्फ अपना परिवार का हित नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। हमारे लिए भाजपा से बड़ा भारत है, इसलिए हर फैसला सिर्फ और सिर्फ देश हित में रखकर लिया जा रहा है।